Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो थाना बसैया रेल क्षेत्र के अंतर्गत अरनोटा मार्ग उल्टांगन पुल के पास दो बाइकों की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए नजदीकी फतेहाबाद अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां घायलों का इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार सोनू शर्मा निवासी उदयपुर खालसा बाइक से आगरा की ओर जा रहे थे, तभी सामने से तेज गति से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने तत्काल एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया। वहीं पुलिस ने घायल परिजनों को एक्सीडेंट की सूचना दी। मौके पर परिजन भी पहुंच गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है, जहां एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं ग्रामीण अशोक ने बताया कि दो बाइकों के आमने सामने से टक्कर हो गई, बाइक क्षतिग्रस्त हो गई है। पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के परिजन मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस द्वारा घायलों को पिनाट CHC में भर्ती करा दिया। घायलों की गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टर ने उपचार के लिए रेफर कर दिया, जहाँ घायलों का इलाज जारी है। एक व्यक्ति की हालत गंभीर है। तो आगरा से हमारे सहयोगी अवधेश कुमार की खास रिपोर्ट। मेरा नाम अशोक है। क्या घटना हुई? हमारे अन्नोटा चौकी के पास में पुल पे एक्सीडेंट हुआ है, दोनों बाइक में। तो उसमें क्या है कि दो लेडी थी और एक लड़का था एक बाइक पे, और एक बाइक पे एक जवान था एक बुढ़े से थे। तो जो जवान था उनके दोनों कानों में खून निकल गया है, तो उनकी आशंका बहुत बचने की कम है। और जो दो लेडीज हैं, एक लेडी के करिया में चोट है और एक लेडी और पैर से, मतलब। कितने लोग घायल हैं इसमें? करीब पाँच लोग हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा, एम्बुलेंस 108 आई थी और प्रशासन ने अपने हादसे को निकाल के और गाड़ी में रखवाए। बढ़िया तरह से, कोई दिक्कत नहीं। हॉस्पिटल पिनाट भेज दिए और पिनाट के बाद में फिर फतेहाबाद चले गए।